टैली को स्टार्ट करने से पहले स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई और साथ ही साथ रक्षाबंधन की भी बहुत बहुत बधाई। चलिए स्टार्ट करते हैं टैली को। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, सूरज सर के साथ टैली सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो टैली ईआरपी 9 को लेकर के, यहां पर देख सकते हैं टैली ईआरपी 9 मैंने ओपन किया है। एक समस्या जो बिगिनर्स के साथ अक्सर आती है, कॉमेंट मुझे आया हुआ है, तो उसमें कॉमेंट में ये है कि सर आखिरकार परचेज वाली एंट्री हम टैली में पास क्यों करें, हम डायरेक्टली सेल्स में एंट्री पास कर सकते हैं, तो परचेज वाली एंट्री पास करनी क्यों जरूरी है। तो ये एकदम नई कंपनी है, यहां पर मैं आपको दिखा देना चाहता हूं, ये एकदम नई कंपनी है। गेटवे ऑफ टैली पे आते हैं, एस्केप बटन प्रेस करके, और यहां पर दो बार डी प्रेस करता हूं। अब देखिए यहां पर फाइनेंशियल ईयर दिखा देता हूं आपको, ठीक है। तो ये ऑल्ट F2 प्रेस किया, अब 1/4 से लेकर और यहां पर कर देता हूं 31/3/2023, यानी एक साल का पूरा डिटेल दिखा रहा हूं। एक ही एंट्री है केवल रिसिप्ट वाउचर में, यानी पैसा रिसीविंग की एंट्री कराई गई है, बाकी कोई भी एंट्री नहीं हो पाई है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि परचेज क्यों जरूरी है, ठीक है। सवाल कई बार ये पूछा गया है मुझसे कि सर परचेज ही क्यों पहले, भाई सामान होलसेलर से परचेज करेंगे तो हम परचेज वाली एंट्री करेंगे तभी तो हम उसके बेस पे सेल्स वाली एंट्री कर पाएंगे, इसीलिए परचेज की एंट्री जरूरी है। डायरेक्टली सेल्स की एंट्री आप पास कर सकते हैं, लेकिन उस केस में क्या होगा, आइए देखते हैं। यहां बी प्रेस करता हूं सेल्स वाउचर में जाने के लिए, F8 प्रेस कर देता हूं, ये कुछ इस तरीके से आ गए हैं सेल्स वाउचर में। यहां पर ये रेफरेंस नंबर दिया हुआ है, तो कोई भी रेफरेंस नंबर आप डाल दीजिए, एंटर करिए। यहां पर आता है डेटर पार्टी का लेजर, सेल्स में डेटर पार्टी का लेजर आता है, आप कैश भी कर सकते हैं। तो यहां पे एक नाम रामू करके मैं लिख देता हूं, ये डेटर पार्टी है, आगे डी लिख देता हूं ताकि आपको पता चलता रहे कि ये डेटर पार्टी है। अब यहां पर आता हूं सन्ड्री डेटर ग्रुप, इसे डाल देता हूं, ये सन्ड्री डेटर ग्रुप हो गया, एंटर करके इसको एक्सेप्ट करा लेते हैं, बाकी की डिटेल आप भरते रहिएगा, ठीक है। एंटर करते हुए इसको भी एक्सेप्ट करा रहा हूं। यहां पर आएंगे तो ये सेल्स अकाउंट का लेजर आएगा, SALES, ठीक है, सेल्स हो गया, ये जाएगा अंडर सेल्स अकाउंट, तो यहां पर सेल्स अकाउंट का ग्रुप मिल जाता है। अब सेल्स अकाउंट में डाल करके और इसे एक्सेप्ट करा लीजिए। अब यहां पर हमारे पास परचेज किया हुआ कोई प्रोडक्ट तो है नहीं, तो आप सेल किसको करेंगे, यहां पर पहली प्रॉब्लम आएगी नेगेटिव स्टॉक की। अब देखिए यहां पे ऑल्ट सी करिएगा, सेल्स वाउचर में कोई भी स्टॉक आइटम नहीं बनाया जाता है, ठीक है। अगर आप बनाने की कोशिश करेंगे तो ये दिक्कत आएगी, जैसे मान लीजिए लेनोवो ये लैपटॉप करता हूं, लैपटॉप, तो ये लेनोवो का लैपटॉप है और इसे हम सेल करने वाले हैं, तो हमारे पास है नहीं है, तो सेल कहां से करेंगे, हम परचेस किए रहेंगे तब ना सेल करेंगे। अब देखिए ऑल्ट सी करके यहाँ यूनिट भी बना देता हूं मैं, यहां पर लिख देता हूं NOS, यानी नंबर्स की बात करेंगे, फॉर्मल नेम इसका नंबर्स हो जाएगा, ये नंबर दे दिया, एंटर करेंगे, ये हो गया, एंटर किया। अब यहां पर आते हैं, यहां पर 60 लैपटॉप की बात करते हैं, ये लीजिए क्या आया है, नेगेटिव स्टॉक आ रहा है कि नहीं। अब ये नेगेटिव स्टॉक, चलिए ठीक है, हो सकता है कि एक आइटम पे भी नेगेटिव स्टॉक आएगा आपका, कोई भी आइटम बिना परचेज किए आप सेल नहीं कर सकते, ये बात याद रखिएगा। तो इसके लिए हमें कहां चलना पड़ेगा, पहले चलना पड़ेगा परचेज वाउचर में। अब यही एंट्री मैं परचेज वाउचर में करके दिखा देता हूं, एकदम क्लियर हो जाएगा। ये सप्लायर का इनवॉइस नंबर रहा, ये वो डेट रही जिस डेट पर होगी परचेजिंग, और यहां पर आएगा डेटर क्रेडिटर पार्टी का लेजर, तो एक गौरव नाम की हमारी क्रेडिटर पार्टी है, उसी का लेजर लगा देते हैं, सन्ड्री क्रेडिटर के ग्रुप में डाल देते हैं, ये डाल दिया। यहां मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल इसको यस रखेंगे, एंटर करेंगे, इसको एक्सेप्ट कराएंगे, तो ये लीजिए ये भी एक्सेप्ट हो गया, और यहां पर आएगा परचेज अकाउंट का लेजर, वहां पर सेल्स था, यहाँ पे परचेज अकाउंट हो जाएगा, जैसा कि आप जानते ही हैं, लगभग हर वीडियो में मैंने ये बात बताई है। यहाँ पे पी प्रेस करेंगे परचेज अकाउंट आ जाएगा, और यहाँ पर परचेज अकाउंट को लगा करके फिर एंटर करके इसको एक्सेप्ट कराएंगे। अब यहां पर आप देख सकते हैं सिनेरियो कुछ इस तरीके का है, यहां पर जब आइएगा तो यहां पर अब हमें परचेज करना है, क्या परचेज करना है, तो भैया लेनोवो का लैपटॉप है तो इसी को हम परचेज करेंगे। तो मान लीजिए 60 लैपटॉप मैं परचेज कर रहा हूं, एक लैपटॉप की खरीद रेट 30,000 आ रही है, कितनी आ रही है खरीद रेट 30,000, ठीक है। अब इसको एक्सेप्ट करा सकते हैं, यहां पर चाहे तो जीएसटी भी एक्टिवेट कर सकते हैं। कैसे जीएसटी एक्टिवेट करेंगे, पहले तो आप एक्टिवेट कर लीजिए जीएसटी, अगर आप जीएसटी लगाना चाहते हैं तो यहां से आपको आना होगा बाहर, तो ये आ गए बाहर, और यहां से आपको F11 की प्रेस करनी होगी, फिर आना होगा स्टेटरी एंड टैक्सेशन पर, और यहां से जीएसटी को एक्टिवेट करना होगा, तो यहां Y प्रेस करके आप जीएसटी को एक्टिवेट कर सकते हैं। इस तरीके से ये एक्टिवेट हो गया, यहां पर जीएसटी आई नंबर आपका जो भी है वो आ जाएगा,
और फिर एंटर करके आगे बढ़ेंगे, टैली इसको वेरीफाई करता है, एप्लीकेबल फ्रॉम कब से एप्लीकेबल हो रहा है, फिर आगे बढ़ेंगे यहाँ पर इसको डिफाइन करना होगा कितना परसेंट क्या ये टैक्सेबल रहेगा, और यहाँ पे हम 10% का जीएसटी लगा रहे हैं, एंटर करेंगे, इसको एक्सेप्ट कराएंगे, ये एक्सेप्ट हो गया, एंटर करेंगे इसको एक्सेप्ट कराएंगे, सब एक्सेप्ट हो गया। अब हम चलते हैं परचेस वाउचर में वापिस से, यहाँ पर जो रेफरेंस नंबर था सप्लायर का, इनवॉइस नंबर था, उसको डाल करके आगे बढ़ेंगे, क्रेडिटर पार्टी का लेजर वही रहेगा, एंटर करेंगे, एक्सेप्ट कराएंगे, परचेस अकाउंट का वही रहेगा। अब यहाँ पर लेनोवो के लैपटॉप की बात कर रहे थे, 60 लैपटॉप हम परचेस कर रहे हैं, एक लैपटॉप की खरीद रेट 30,000 जैसा कि मैं बता ही चुका हूं वो आ रही है, ये आ गया, एंटर किया। यहां पर आएंगे तो यहां पर जहां एंड ऑफ लिस्ट आ रहा है यहीं पर आपको सीजीएसटी का लेजर लगाना है, क्योंकि सेम स्टेट का मामला है, तो सीजीएसटी कहां जाएगा, ड्यूटीज एंड टैक्सेस में जाएगा, बस लगा दीजिए, काम हो जाएगा आपका। ये है जीएसटी, और कौन सी जीएसटी है, सेंट्रल टैक्स है, बस ये हो गया काम आपका। यहाँ पर आ गया, यहाँ पे आप एसजीएसटी लगा देता हूँ, एसजीएसटी कुछ इस तरीके से एसजीएसटी लगाइएगा, ड्यूटीज एंड टैक्सेस ही रखिएगा, जीएसटी ही रखिएगा, और यहाँ पर करिएगा स्टेट टैक्स, बस आपका काम हो जाएगा। ये देख सकते हैं यहाँ पर परचेजिंग हो गई, ठीक है, नरेशन आप डाल सकते हैं, हमने इसका पेमेंट नहीं किया है, हमने सिर्फ परचेजिंग की एंट्री दिखाई है आपको। अब ये देखिए, ये परचेज हो गया ना, कितने लैपटॉप आपके स्टॉक में आ गए होंगे, 60 लैपटॉप, कैसे पता 60 ही आ गए, एक तो एंट्री में आपको दिख ही रहा है, दूसरा आप इन्वेंटरी बुक में जा सकते हैं, ये इन्वेंटरी बुक दिख रहा है, और यहाँ पर आपको ग्रुप तो है नहीं, तो यहाँ पर स्टॉक आइटम मिल जाएगा, तो ये स्टॉक आइटम में आएंगे, तो यहाँ क्वांटिटी कितना दिखा रहा है, 60 दिखा रहा है ना, देखिए ये क्वांटिटी कितना दिखा रहा है, 60 दिखा रहा है, क्लियर, और यही वो एंट्री है जो आपने पास की थी, तो सारी चीजें यहां से क्लियर है, ठीक है, समझ में आ रही है बात। अगर आप स्टॉक समरी में जाएंगे तो भी डिटेल आपको पूरी मिल जाएगी, ये देखिए सीधा डिटेल आपको दिखाई पड़ रहा है, क्लियर। तो ये हो गया, आप कहां चलेंगे, आप सेल्स वाउचर में चलेंगे, अब हम बेच सकते हैं सामान, क्योंकि हमने परचेस कर लिया है, परचेज किस हिसाब से किया उसकी एंट्री हमने पास कर ली है, एंटर करेंगे और यहाँ पर आएगा डेटर पार्टी का लेजर, तो ये डेटर पार्टी का लगा करके एंटर करके आगे बढ़ेंगे, और जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो आगे बढ़ करके यहाँ पर आएगा सेल्स अकाउंट का लेजर, तो ये सेल्स का लेजर लगा लिया, और लेनोवो के लैपटॉप की बात थी, 60 है हमारे पास, हम 50 इसको बेच देते हैं, एक की कीमत रखेंगे कितना, 45,000, ठीक है, एंटर किया और यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पे जीएसटी का लेजर आएगा, तो ये आ गया जीएसटी, सीजीएसटी पहले लगा देते हैं, फिर आ जाते हैं एसजीएसटी लगा देते हैं, तो कुछ इस तरीके से ये लगा दिया हमने और इसको एक्सेप्ट करा लिया, तो बस यही तो एंट्री है, ठीक है। इसीलिए कहा गया है कि बिना परचेज के आप सेल ना करें, ताकि नेगेटिव स्टॉक ना आए, ओके, कॉन्सेप्ट क्लियर है, चलिए।